हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए आज एक और करंट अफेयर्स के इशू लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आज आया है जिसका रेमिफिकेशन या इफेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए हो सकता है, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो लेट अस लुक इन टू द आर्टिकल। द आर्टिकल रीड्स एज एससी लुक्स अगेन एट द कॉन्जुगल राइट्स रिकॉलिंग रुकमाबाई। तो टाइटल पढ़ के हमारी समझ में नहीं आता कॉन्जुगल राइट्स क्या हैं और रिकॉलिंग रुकमाबाई क्या है। तो चलिए इसको आप समझ लेते हैं इस आर्टिकल के जरिए, हमारे दो एंगल इससे फुलफिल होंगे। तो लेट अस सी, एज एस सी लुक्स अगेन एट द कॉन्जुगल राइट्स रिकॉलिंग रुकमाबाई। देखिए इसको समझिए, रुकमाबाई केस। देखिए अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल हुआ है जिसमें पिटिशनर ने यह बोला है कि अब चूंकि रिफॉर्मेटिव राइट्स का समय है, ट्रांसफॉर्मेटिव लॉ का समय है और पुट्टा स्वामी केस की वजह से राइट टू प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, इसीलिए कॉलोनियल समय का जो ये लॉ है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, इसको रिविजिट करना चाहिए, इसकी वैलिडिटी चेक करनी चाहिए इन द कंटेम्प्रेरी सर्कमस्टांसेस। तो समझ लेते हैं कि ये कॉन्जुगल राइट्स क्या होते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में एक सेक्शन 9 होता है, उसे कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ये सेक्शन ये कहता है इफ हस्बैंड वाइफ की मैरिज, ओब्वियसली मैरिज है और दोनों में से अगर दूर रह रहे हैं तो आइदर ऑफ देम कैन फाइल अ पिटिशन अंडर द इन द कोर्ट अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें दोनों में से कोई ये कह सकता है कि माई वाइफ शुड कम टू लिव विद मी, और हस्बैंड वाइफ कह सकती है माई हस्बैंड शुड कम एंड लिव विद मी, सो दैट वी कैन लिव एज हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर एंड कॉन्सुमेट आवर मैरिज। हमारे जो रिलेशंस हैं, फिजिकल रिलेशंस हैं, वो रेस्टिट्यूट होने चाहिए बिकॉज लॉफुली वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। अगर दोनों दूर रह रहे हैं तो दोनों में से कोई भी ये याचिका लगा सकता है। तो ये याचिका कॉलोनियल समय की, अंग्रेज़ों के समय का एक लॉ है, उसको रिविजिट करने की बात चल रही है। तो जब सुप्रीम कोर्ट इसको 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट विल लुक इनटू दिस पर्टिकुलर लॉ एज पर द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो बात आ गई रुकमाबाई केस की। रुकमाबाई केस क्या है समझ लेते हैं। रुकमाबाई वॉज मैरिड एज ए चाइल्ड टू दादाजी भिकाजी। दादाजी भिकाजी को शी वॉज मैरिड एज ए चाइल्ड, और जब शी बिकेम ऑफ 22 ईयर्स, दादाजी भिकाजी वॉन्टेड हर वाइफ बैक, नाउ ही वॉन्टेड टू लिव विद हर एज हस्बैंड एंड वाइफ। तो उन्होंने ये सेक्शन, ये जो रेस्टिट्यूशन की बात, कोर्ट में पिटिशन दाखिल कर दिया, बट शी वेंट टू कोर्ट, और ये जब पिटिशन दाखिल किया तो रुकमाबाई डिफेंडेड हर सेल्फ। उस समय तक शी बिकेम ऑफ 22 ईयर्स एज एंड शी सेड कि आई वॉज मैरिड एज ए चाइल्ड, नाउ दैट आई एम एडल्ट एंड एजुकेटेड आई डोंट वॉन्ट टू लिव विद दिस पर्सन एंड मैं इसको मैरिज को कॉन्सुमेट नहीं करना चाहती हूँ। उन्होंने इसको डिफेंड करने की कोशिश की उस समय के, और शी ऑल्सो रोट एन आर्टिकल, ए हिंदू लेडी, हिंदू लेडी के नाम से टाइम्स में एक आर्टिकल भी लिखा जिसमें उन्होंने कोर्ट को धन्यवाद दिया कि आप भारतीय, मेरा और भारतीय महिलाओं के लिए इसको आप टेकअप कर रहे हैं। अब उस समय के जो जज थे उन्होंने इसको, जज पिन्हे, उन्होंने इस एक्ट के बारे में कहा, इट इज़ बारबरस, ए क्रूअल एंड रिवोल्टिंग थिंग टू डू ए कंपेल यंग लेडी इन टू सोलेमनाइजिंग अ चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज ये बारबरस एक्ट है, इसको नहीं होना चाहिए। लेकिन आगे चल के इसको वहाँ के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इसको फ्रेश ट्रायल के लिए, इस जजमेंट को कैंसिल कर दिया, फ्रेश ट्रायल की बात की। केस का नाम दादाजी भिकाजी वर्सेज रुकमाबाई वॉज फॉट फ्रॉम 1884 टू 1887 कोर्ट में लड़ा गया। हाई कोर्ट ने इसको रिविजिट करने के लिए कह दिया और फिर जो नए जज ने इसको जो फ्रेश ट्रायल किया उसमें रुकमाबाई को बोला कि आपको ये मैरिज कॉन्सुमेट करनी पड़ेगी, अपने हस्बैंड के पास जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी या आपको 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है, यू कैन बी गिवन अ 6 ईयर्स 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट ऑल्सो। रुकमाबाई के पास कोई ऑप्शन नहीं था, रुकमाबाई हैड टू कॉम्प्रोमाइज विद हर हस्बैंड, और 2000 रुपये में ये सेटलमेंट हुआ, कॉस्ट देनी पड़ी। दादाजी ऑल्सो डिड नॉट परसू द केस और उन्होंने इस केस को छोड़ दिया। उस समय रुकमाबाई वॉज डिफीटेड, बट वो सेटलमेंट अदरवाइज हो गया,
शी डिडंट हैड टू गो टू एंड लिव विद दादाजी। बट इस ये जो इशू 80s में हुई थी, ये कुछ ऐसे भी शुरू हो गई थी कि उस समय ये तो एक इशू बताइए आपको, बाय द वे शी बिकेम द इंडियाज फर्स्ट वुमेन मेडिकल प्रैक्टिशनर। फिर उनका एजुकेशन हुआ, इंग्लैंड गई, पढ़ के आई और पहली मेडिकल प्रैक्टिशनर बन गई। ये तो इस आर्टिकल का एक जिस्ट है कि वीमेन राइट्स के लिए उस समय 1880s में ए वीमेन कॉल रुकमा बाई शी फॉट अगेंस्ट फॉर हर राइट्स, अपनी राइट्स के लिए शी फॉट अगेंस्ट सच पर्टिकुलर लॉ, कॉन्जुगल राइट्स के लॉ। तो इस लॉ के संदर्भ में दो तीन बातें आपको और बताता हूं मैं। इन BM मालाबारी, बहुत इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच विल बी वेरी यूजफुल इन हिस्ट्री एंड पॉलिटी एज वेल, क्योंकि ये कंटेक्स्ट बना है तो यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, इससे संबंधित कुछ ना कुछ एग्जाम में आ जाएगा। बैराम मालाबारी, BM मालाबारी ने 1884 में एक ऐसे लिखा, नोट ऑन इन्फेंट मैरिज एंड एनफोर्स्ड विडोहुड। समझ लीजिए BM मालाबारी के इस आर्टिकल की वजह से ही ये एक्टिविटीज इतनी इंपॉर्टेंट होती जा रही थी। ही वॉज फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ वीमेन एट दैट टाइम 1880s में। तो उन्होंने आर्टिकल लिखा था, ऐसे लिखा था, नोट ऑन इन्फेंट मैरिज एंड इन्फोर्स विडोहुड। बचपन में शादी की जाती है और ओल्ड एज के पीपल दे डाई एंड बचपन में ही महिलाएं या लड़कियां विडो हो जाती हैं। ये उस समय मुहिम चल रही थी और उसी में रुकमाबाई का केस आ गया। रुकमाबाई का केस इतना इम्पॉर्टेंट बन गया कि बाल गंगाधर तिलक वॉज, जब ये रुकमाबाई के फेवर में जब पहले जजमेंट दिया गया था तो बाल गंगाधर तिलक वॉज क्रिटिक ऑफ रुकमाबाई, ही वॉज नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन। वैसे ही वॉज ए यू कैन से मॉडर्न लुकिंग मैन, बट उनका ये कहना था कि जो भी रिफॉर्म होगा वो विद इन से आएगा, इंडियन सोसाइटी से आएगा, ब्रिटिश लॉज या ब्रिटिश पीपल हैव नो राइट टू इंटरवीन इन आवर सोशल सिस्टम्स, अंग्रेजी लॉ हमारे सोशल सिस्टम्स में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये तिलक का एक छोटा सा व्यू था उस समय, वो इस कानून के इस चीज़ के खिलाफ थे कि ये नहीं होना चाहिए। रुकमाबाई वॉज जो जस्टिस पिन्हे ने जो एक्शन जो फैसला दिया था उसके वो फेवर में नहीं थे। बाद में 80s में ये चल रहा था, रुकमाबाई का सेटलमेंट हो गया, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट इसकी वजह से, इस केस की वजह से एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ कि 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हो गया, जिसमें 1891 जिसमें 12 ईयर्स की एज कर दी गई कि 12 साल से नीचे की लड़की की शादी नहीं हो सकती। इससे पहले 1860 का चाइल्ड मैरिज एक्ट हुआ करता था जिसमें 10 ईयर्स एज थी, उसको बढ़ा के 2 साल कर दिया गया। एंड BM मालाबारी प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पैसेज ऑफ दिस एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, जिसमें एज जो लड़कियों की है वो 10 से 12 साल बढ़ा दी गई, 12 साल से नीचे के बेटी की शादी नहीं हो सकती। तो ये एक्ट पास हो गया था एंड BM मालाबारी प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इधर जब रुकमाबाई का केस चल रहा था तो रुकमाबाई डिफेंस कमेटी बनाई गई, मतलब जो रिफॉर्म्स ओरिएंटेड इंडियंस हुआ करते थे 1880s में, उस समय उन्होंने रुकमाबाई डिफेंस कमेटी बनाई, पैसे इकट्ठे किए कि वी विल फाइट दिस पर्टिकुलर केस। वो सब आगे नहीं हो पाया, वो बात अलग है, बट रुकमाबाई एज आई टोल्ड यू शी वेंट टू इंग्लैंड, उनको सपोर्ट मिला और बाहर जाके वो पढ़ के आई थी। तो BM मालाबारी वॉज मेंबर ऑफ दिस रुकमाबाई डिफेंस कमेटी। उस समय सोसाइटी दो हिस्सों में बढ़ गई थी, एक प्रो रिफॉर्म्स थी, एक एंटी रिफॉर्म्स थी उस समय के हिसाब से। तो दिस वॉज आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू, कि इस पूरी इशू की वजह से ये हुआ कि 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हो गया था। अब क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, अब सुप्रीम कोर्ट में ये PIL जनहित याचिका लगी हुई है कि ये जो सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट है
जो रेस्टिट्यूट कराता है कॉन्जुगल राइट्स को, हस्बैंड एंड वाइफ कैन लिव एज हस्बैंड एंड वाइफ, तो उसको चैलेंज किया गया है कि ये आज के संदर्भ में जब महिलाओं को ऑटोनॉमी दी जा रही है, पुट्टा स्वामी के राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट मानता है, आर्टिकल 21 में राइट टू बॉडली ऑटोनॉमी है महिलाओं को, तो दिस सेक्शन 9 लागू हो जाए तो फोर्स करता है कि जो महिलाएं को अपने हस्बैंड के पास जाके रहना पड़ेगा, तो ये रिविजिट किया जाए और आज ये स्क्रूटनी स्टैंड नहीं करता, इसको चेंज किया जाए या ख़त्म किया जाए, इस विषय में इशू चल रही है। तो हिस्ट्री का एंगल ये आ गया कि रुकमा बाई का केस था जो चाइल्ड मैरिज से संबंधित था, तिलक वॉज अगेंस्ट इंग्लिश पीपुल इंटरफेयरिंग इन द सोशल सिस्टम्स ऑफ इंडिया, और फिर बीएम मालाबारी प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, और उनकी वजह से पास हो पाया एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। हु ऑफ द फॉलोइंग अपोज्ड एज ऑफ कंसेंट एक्ट, तो आप बोलेंगे इट वॉज तिलक हु वॉज नॉट इन फेवर ऑफ, वो इस रिफॉर्म के अगेंस्ट नहीं थे, बट ब्रिटिश पीपल कैन नॉट इंटरफियर इन द रिफॉर्म्स इन फॉर इन सोशल कस्टम्स ऑफ इंडिया, हैंस तिलक वॉज अपोजिंग इट। तो ये आज का जो आर्टिकल है इसकी मदद से आई कुड टेल यू समथिंग अबाउट पॉलिटी, समथिंग अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो दिस इज फॉर टुडे। अगर ये जो तरीका है अखबार के आर्टिकल के थ्रू आपकी समझ में आ रहा हो, मुझे कल मैंने जब वीडियो देखा तो मुझे लगा कि ये लेटर्स पढ़ने में नहीं आते, बट जस्ट मैंने इसका आपको बता रखा है, आज थोड़ा सा एक्सपेंड करके भी दिखाया, अगर इससे कुछ आपको बेनिफिट मिल रहा हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, अदरवाइज़ मैं इसको मेथड को मॉडिफाई करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, थैंक यू वेरी मच।